आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड किस प्रकार करेंगे। जैसे मान लीजिए आप नए नए आधार कार्ड बनवाए हैं या फिर आपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करवाए हैं, कुछ अपडेट करवाए हैं, तो ऐसे में आप ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड बना है या नहीं, या आपका आधार कार्ड करेक्शन हुआ या नहीं, तब ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करके पता कर सकते हैं। तो किस प्रकार आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे आज का इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए थ्री डॉट है, इस पर क्लिक करना है और नीचे स्लाइड करके सबसे पहले डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है, या फिर ऐसे ही आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गूगल का जो सर्च बार है, यहाँ पे आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करना है। और आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान से देख ले, uidi.gov.in, ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, ये टाइप करके इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर बाद इस तरह से आधार कार्ड का जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। अब नीचे स्लाइड करेंगे तो बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ से भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऊपर देखें myaadhar.uidi.gov.in, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगला जो पेज ओपन होगा इस तरह से होगा, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वेलकम टू माई आधार। अब यहाँ पे नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे बहुत सा यहाँ से आप सर्विस ले सकते हैं। अब यहाँ क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से PVC कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, इसका स्टेटस देख सकते हैं, और नीचे देखें इनरोलमेंट या फिर अपडेट स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे खोया हुआ आधार कार्ड को नंबर जान सकते हैं, ईमेल या मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, आधार कार्ड को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। नीचे स्लाइड करेंगे तो वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड को लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कोई आपको कंप्लेंट यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कंप्लेंट किया है तो इसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, आधार कार्ड डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए जो स्टार्टिंग में है डाउनलोड आधार, यहाँ पे देखें इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे आप तीन तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, पहला है कि आधार कार्ड का नंबर डाल के, या फिर इनरोलमेंट आईडी का नंबर डाल के, या फिर वर्चुअल आईडी है तो उसका नंबर डाल के। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल ले, और नीचे ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इसको यहाँ पे डाल ले, सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर या फिर जो भी आपके पास है वो डाल के जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, और जो आपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर डाला था उसमें एक OTP आएगा, और उस OTP को क्या करना है, नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना। देख सकते हैं मेरे में यहाँ पे OTP आने वाला है। अगर OTP नहीं आ रहा है तो रिसेंट OTP का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपका OTP आ जाएगा। OTP जब आ जाएगा तो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है, लेकिन आधार कार्ड पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, और यहाँ पे कौन सा पासवर्ड आपको लगाना है मैं आपको बताता हूँ। आपके आधार कार्ड में जो भी नाम है उसका पहला लेटर, पहला 4 लेटर कैपिटल लेटर, और डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है उसे डालना है। नहीं समझे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अनीस कुमार, तो जो आपका अनीस का जो पहला 4 लेटर है कैपिटल लेटर में यहाँ पे डालना है इस तरह से, और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे इस तरह से सटा के डालना है। तो चलिए यहाँ पे अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड डालने जैसे ओपन करेंगे आपका आधार कार्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आधार कार्ड ओपन हो चुका है। और अगर आपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराया है, करेक्शन कराया है, तो आप यहाँ से ऑनलाइन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो आपने जो करेक्शन कराया है वो सही हुआ है या नहीं, या फिर अगर आपने नया आधार कार्ड बनवाया है तो यहाँ से इसे इस तरह से डाउनलोड करके इसका PDF निकाल के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।